देख रहे हैं शहीन मीडिया न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले मुख्तसर हेडलाइन, रियासत की कमजोरी सानिहा साहिवाल गवाहों को तहफ्फुज़ ना दे सकी, नाजायज मुकदमात बनाना कत्ल की धमकियां, गवाहान मुकर्रे, तमाम मुलजमान बाइज्जत बरी। मदीना के रियासत बनाने के खोखले नारे की लगाते हैं जबकि इस सियासत के तले सब एक हुए। जालिम बाप ने दूसरी बीवी के साथ मिलकर कम उम्र बेटों पर तशद्दुद किया, कई रोज भूखा प्यासा रखा, पुलिस के छापे, मजलूम जालिम बाप गिरफ्तार। 5 रुपए का सिक्का हलक में फंस जाने से 2 साल का बच्चा जान बहा। टोयोटा मोटर गुजरावाला करप्शन केस, मरकजी मुलजम मलिक रियाज के बेटे से रिकवर, नैब ने नई गाड़ियां मालिकान के हवाले कर दी। सियालकोट वापता की गफलत, छत से गुजरती हुई नंगी तारों को छू जाने से 17 साल रजवान जान बहा। 1 नवंबर से जिले अदालतों के टाइम तब्दील, 9 से 4 बजे नए टाइम मुकर्रर। सैयद अखबार फरोज के बेटे की इंटरमीडिएट में पहली पोजीशन, वजीर आला सिंध ने वजीर आला हाउस बुलाकर इनामात से नवाज। लाइंस कराची सोशल मीडिया स्कैंडल, फेसबुक पर लड़की की तस्वीरें अपलोड करने पर मुलजमान को सलाह के बावजूद 5-5 लाख कट जाना। अरबों रुपए का नुकसान कबूल, कश्मीर पर बैन वापस नहीं लूंगा, मलेशियन वजीर आजम। टॉर्चर सेल बनाने वालों की गिरफ्तारी के फैसले स्पेशल टीमें मुकर्रर। पुलिस ऑफिसर डीएसपी फानन अक्सलहरी पुलिस महकमे के सर के ताज, इनकी काबिलियत, नरम मिजाजी, शाइस्ता गुफ्तगू, कानून के मुताबिक फारकीन को सब्र तहम्मुल से सुनना और सियासी और गैर सियासी प्रेशर को बिलाताक लाते हुए मेरिट पर फैसला करने। डीएसपी इरफान अल हक को मीडिया ने प्रोफेसर का लकब दिया, प्रोफेसर इरफान अल हक डीएसपी सदस्य। एडवोकेट हाईकोर्ट नजाकत जाफरी ने शहीन मीडिया के चीफ एक्जेक्टिव शबीर सुल्तान को बताया कि मंशियात के 80% मुकदमा अदम शहादत से बाइज्जत बरी थे। मंशियात के 80% अदालतों से अदम शहादतों की वजह से बाइज्जत बरी। डीपीओ सियालकोट की कमजोर गए, मुलजमान से साथ बात करके पुलिस अहलकार जानबूझकर गलत बयानी करके कमजोर शहादत देते हैं जिसका फायदा मुलजमान को होता। अभी तक अफसरान लापरवाही से आंखें बंद किए हुए हैं जबकि पुलिस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर 9C का मुलजम अदालत से बरी जमा हो तो मुलजम से बरामद शुदा मंशियात का मुकदमा मुतलका आईओ पर होगा। लेकिन सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अपने रुके हुए तबादले पर परेशान, आजादी मार्च हुकूमती मजाकराती कमेटी और रहबर कमेटी की बाजाबता पहली बैठक आज होगी। बगैर चेहरे वाले बच्चे की बजाय शहरी हो जाता। मरियम नवाज को वालिद नवाज शरीफ के पास हॉस्पिटल रहने की इजाजत दे दी गई। मरियम नवाज वालिद की तबीयत की खबर सुनकर अदालत में रोने लगी। मुस्लिम लीग की रहनुमा भी कायद की बीमारी की खबर सुनकर आग गई। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ नहीं रही जो तश्वीशनाक है। बीमारी की नोयत और लाहा खतरात के पेश नजर रिपोर्ट बैरून मुल्क भिजवा दी गई है। शहबाज शरीफ, सबका वजीर आजम नवाज शरीफ की वालदा भी बेटे की यादत के लिए हॉस्पिटल पहुँच गयी।